थोड़ा सा वेट करते हैं, आप सबका स्वागत है जो लोग भी देख रहे हैं। निधि मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। आज इस लाइव में हम लोग चर्चा करेंगे त्योंथर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, त्योंथर में जो क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस लाइव सेशन में। आप सबका स्वागत है द खबरदार न्यूज़ में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कल त्योंथर में फिर से एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और उस रेप को लेकर पॉलिटिक्स तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हमारे यहाँ के पुलिस कर्मियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, नेताओं ने, युवा नेताओं ने ऐसा क्या किया है कि इस घटना के बाद अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, या ऐसा क्या किया है कि इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी और होती ही रहेंगी त्योंथर जैसे क्षेत्र में। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ अभी हमारे दो और साथी जुड़ेंगे। एक और भाई आ गए हमारे, चंदन। चंदन भाई स्वागत है आपका। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद के साथ में जुड़ेंगे विजय तिवारी। और हम लोग त्योंथर को लेकर कुछ चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से त्योंथर में इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है, पुलिस का खौफ क्यों लोगों में नहीं है, ऐसी कौन सी वजह है कि त्योंथर में लोग जघन्य से जघन्य अपराध करने के बारे में सोच सकते हैं, उनको पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। इसके साथ में इसके प्रिवेंशन को लेकर हम क्या कर सकते हैं त्योंथर में, त्योंथर के लोग क्या कर सकते हैं, शासन प्रशासन के लोग ऐसा कौन सा बदलाव, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं जिससे कि एटलीस्ट हमारा त्योंथर, हमारा रीवा फिर से सुरक्षित हो जाए। सफ़ेद शेर की नगरी में वायलेंस अच्छी नहीं है, ऐसी धरती जहाँ पर शांति का रूप सफ़ेद शेर भी, मतलब शांति का रूप जो दुनिया का सबसे खूंखार जानवर है। ब्रह्मानंद आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। भाई साहब मैं पूर्वांचल में रहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मुस्कुराइए आप त्योंथर में हैं। मुस्कुराइए आप त्योंथर पूर्वांचल में हैं। क्या त्योंथर पश्चिमांचल में है क्या लाइट? कुछ तो रहती ही होगी हमारे यहाँ से। अच्छा, फिर ऐसा क्या, क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह आज जो पता चली है वो ये है कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है, और हमारे यहाँ इंक्रीमेंट नहीं है, हम बिजली देने में असमर्थ हैं। हमारे यहाँ पहली चीज कर्मचारी नहीं है, दूसरी चीज हम इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो इंक्रीमेंट, सैलरी भी नहीं मिल रही है। अच्छा, सैलरी भी नहीं मिल रही है। सैलरी भी उन लोगों को नहीं मिल रही है ये बताया गया। अच्छा। और बता रहे हैं कि फील्ड में भी तमाम परेशानियां होती हैं। हाँ। जो कुछ लोगों ने हमसे बताया था, पुराने लोग जो हैं, हाँ। तो बता रहे थे 1983 में लाइट आई थी यहाँ, और 1983 का ही केबलीकरण, हाँ। हमारी तरफ काम कर रहा है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा भी लोड ज्यादा होने पे टूट जाया करता है, जाहिर सी बात है। किसान है सबसे ज्यादा त्योंथर में। विजय तिवारी जी नमस्कार। और कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ। इनके यहाँ भी लगता है नहीं है, इन्वर्टर का कमाल है। अच्छा, और समस्या तो ये है भैया, हमारे यहाँ तो इतनी भी नहीं मिल रही कि इन्वर्टर चार्ज हो सके। माय गॉड, तो फिर क्या हम दम भरते हैं कि हमारा देश हर घर में बिजली पहुंच गई, 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। 5 से 6 साल पहले इतनी समस्याएं नहीं थी, बिजली ठीक ठाक आती थी। नहीं भैया, ये जब मैं
ये कहा जा सकता है, लेकिन मैं 3-4 साल से गांव में हूँ लगातार, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस सीजन में बिजली की समस्या रहती है। अच्छा। और होता क्या है कि जैसे ही अभी 15-20 दिन बाद जैसे ही ठंड शुरू हो जाएगी, तो अब जाहिर सी बात है कि लोड कम हो जाएगा, और लोड कम होने की वजह से लोग भी आराम से सो जाएंगे और विभाग भी सो जाएगा, और फिर बिजली की मुहिम आती है 15 जुलाई के बाद, उसके लिए फिर सब जद्दोजहद करेंगे, अनशन प्रदर्शन होंगे, नेता लोग भाषण देंगे, अधिकारी लोग वादा करेंगे, लेकिन जैसे ही काम करने का सही समय आता है सबके सब सो जाते हैं। तमाम तो क्या तरह के सुधार करने के बिजली की समस्या आज की नहीं काफी टाइम से बनी हुई है, और उसके बावजूद भी कुछ भी उसमें सुधार नहीं हुआ है, तो क्या कर रहे हैं वहाँ अधिकारी, क्या कर रहे हैं वहाँ शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं एक तहसील को चलाने के लिए, तो मतलब क्या इफेक्टिवली क्यों नहीं चला पा रहे हैं, क्या समस्या हो सकती है? उनका काम है सिर्फ वादा करना, वादा करते हैं। अरे तो कर्मचारी थोड़ी ना, कर्मचारी नेता नहीं है, वादा तो चलिए मान लीजिए नेता करते हैं, कर्मचारी क्या करते हैं? कर्मचारी क्या कर सकते हैं, जब ऊपर से जैसे सब स्टेशन की बात हुई तो वादा हुआ था कि 1 जुलाई से काम चालू हो जाए, 1 जुलाई से सर्विस दे देगा, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कतें आई जंगल विभाग के एनओसी वगैरह की, वो समझ में आता है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए एसी साहब ने 3 साल पहले वादा किया था। दोषी दोनों है, अधिकारी कर्मचारी और जनता। अच्छा, दोनों दोषी है। जनता क्यों दोषी? कनेक्शन भी जनता इसलिए दोषी है कि अब जैसे जो लोड है यहाँ पावर हाउस का, रायपुर पावर हाउस का, वो ऑफिशियली है कनेक्शन के हिसाब से पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता है। अब कनेक्शन है 5 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए, और भौतिक रूप से चल रहे हैं 10 केवीए के ऊपर लोड जा चुका है। मैंने खुद गौर किया है, टोल नाके जो बने होते हैं उसमें यूजली 40-50 रुपए ही लगता है लोकल का, लेकिन वो 40-50 रुपए बचाने के बाद जो फीलिंग आती है, व्यक्ति अपने आप को नेता से कम नहीं समझता, और उसको बचाने के लिए वो सब कुछ लगा देता है। जब याद है मुझे, जब मोदी जी ने कहा था कि जो लोग एलिजिबल हो वो लोग सब्सिडी छोड़ दो, तो लोगों ने एनओसी बनवाना शुरू कर दिया था जनपद से कि नहीं नहीं हम एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे देश में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, वो ऐसे हर जगह है जहाँ पे लोग आदर्श संहिता का पालन करते हैं। आदर्श संहिता क्या हुई? मेरा भला हो गया, अब आपका भला हो गया, मेरा पड़ोसी भूखा न सोए, वो एक तरह की आदर्श संहिता हो गई कि मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं 90 बचा के रखूंगा, 10 में काम निकाल लूंगा। अब कुछ जगह क्या है कि मिक्स, 10 लोग देते हैं तो 90 आजाद हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा? फिर से हम अपने बेसिक मुद्दे पे आते हैं, बिजली तो एक समस्या है ही, अब हम बात करते हैं अपराधों की, तो ये बढ़ते अपराध में जनता कैसे जिम्मेदार है? अंधेरे में अपराध ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, ये तो लॉजिकल है, चाहे शिक्षा का हो या फिर आपसी समझौते, आपसी समाज के कनेक्टिविटी का हो। एक बच्ची जो अभी गढ़ी का एक मामला आया है, बेहद ही शर्मनाक है, हर मर्द जाति के ऊपर एक कलंक है, धब्बा है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ नैतिक किसी के साथ भी ये हो गलत है, लेकिन नाबालिग के साथ बहुत ही मतलब एकदम छीण मानसिकता कह सकते हैं, कितना मतलब गंदा दिमाग में भरा रहा है। उसके परिजनों ने एक आरोप लगाया कि वही बगल में होली है, दिन भर लोग बैठे रहते हैं, नशा हो सकता है बुरा अपने अपने परिप्रेक्ष्य में, मैं करता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गलत, अलग एक कम्युनिकेशन, एक अलग फीडबैक होता है। करेक्ट करेक्ट। मेरे हिसाब से अगर जागरूकता नहीं होगी तो ये समस्याएं आती रहेंगी। जागरूकता कैसे? आपकी बहन मेरी बहन, मेरी बहन आपकी बहन, घर से जब बेहतरीन शिक्षा होगी, बेहतरीन प्रेशर में होंगे, तो ये काम थोड़े कम हो जाएंगे। आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे की कंप्लेन उसके पिता से कर दीजिए, आपके ऊपर उल्टा एफआईआर होने की नौबत आ जाएगी। ये स्थिति है यहाँ पे,
स्कूल में शिक्षक मार रहे हैं, घर में माँ बाप के पास समय नहीं है, और बड़े बुजुर्ग को वो सैंडविच जनरेशन न्यूयॉर्क में चलता है ना, वो हो गए हैं, वो सिर्फ मतलब पार्ट हो गए हैं। तो जहाँ किसी आप कमेंट पढ़ पा रहे हैं, अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कानून का पालन ढंग से नहीं हो रहा है, लेन देन करके अपराधी कानून के चुंगल से बच जाते हैं। मेरे इर्द गिर्द अगर कोई मामला होता है तो मैं शटर बंद करने के बजाय हाथ में लठ लेके सामने क्यों नहीं आता? मेरे हिस्से में जो है, मेरे अधिकार में जो है, या मेरे दम में जो है, मैं क्यों नहीं करता? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हमारे क्षेत्र में पुलिस है, प्रशासन है, देश में संविधान है, उसके हिसाब से हमारा क्षेत्र भी चलता है। बिल्कुल चलता। और फिर इनकी आवश्यकता क्या थी अगर हमें ही लठ उठानी थी? तो फिर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? आज के समय में अपने त्योहार में भी ऐसे अभिभावक हैं, ऐसे लोग हैं जिनका बच्चा चोरी करके आएगा, कहीं दलाली करके आया, किसी अपराधी को पुलिस वाले से साठ काट करके बचा लिया और कुछ हिस्सा ले लिया, तो घर वाले आसपास के लोग बड़ा महिमा मंडन करते हैं कि देखो इसने अभी राजनीति की, इसने ये कर लिया, इसने ये वो कर लिया। कानून कठोर है उनके लिए जिनके पास किसी युवा नेता से परिचय नहीं है, किसी विधायक के जान पहचान वाले से परिचय नहीं है, पुलिस वाले के घर परिवार का नहीं है। कानून कठोर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। कानून छोटा से छोटा गांव का लड़का जो अपने आप को युवा नेता बोलता है, वो जाके न सिर्फ पुलिस थाने में बैठता है, बल्कि मतलब अपराध करते हुए भी पुलिस वाले उसको गले लगाते हैं, आइए साहब कैसे हैं, बिठाते हैं। तो शर्म किसको आनी चाहिए? फिर हमने पढ़ लिख के क्यों अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस वालों को दी है? इतना बड़ा रीवा, इतना अपराध हो रहा है रीवा में, कोरेक्स बिक रही है, अवैध रूप से दारू बिक रही है, मेडिकल नशाएं चल रही है, वहीं रीवा में पुलिस स्टेशन जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसके पास ही इतनी दुकान इतनी दुकानें हैं, हमने स्टिंग ऑपरेशन भी किया, खुलेआम कोरेक्स बिक रही है, और ये लोग पता नहीं कहाँ ढूंढने जाते हैं कि हमको 10 सीसी कोरेक्स यहाँ हमने पकड़ी, 20 सीसी कोरेक्स हमने यहाँ पकड़ी, यहाँ पे है यार बाजू में 10 कदम दूर कोरेक्स बिक रही है। तो मतलब किस तरह के तुम पुलिस वाले हो? मैंने सुहागी में मैंने जब कोरेक्स की वीडियो बनाई थी, मैं लाइव कह रहा हूँ ये चीज, ये किस शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को, त्योंथर के पुलिस वालों को। वहीं उनके थाने के सामने औरतें बता रही हैं कि यहाँ पे कोरेक्स बिक रही है, मझगवा में यहाँ कोरेक्स बिकती है, सुहागी में यहाँ कोरेक्स बिकती है, बघेरी में यहाँ कोरेक्स बिकती है। ये मतलब एक गांव की एक महिला को ये चीज पता है जिसका बच्चा ग्रसित है कोरेक्स की बीमारी से, लेकिन पुलिस वालों को नहीं पता है। पुलिस वाले FIR लिख लिए और फिर जाके वो जो कोरेक्स बेचता है उसको बोल दिए किसी 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 पुलिस वाले ने, तो उल्टा उन लोगों को धमकी आई कि आप लोग अपने बच्चों को संभालो, हमारे धंधे को मत देखो। जयचंद तो हर जगह मिल जाएंगे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने के लिए अगर जनता खुद खड़ी हो जाए तो क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं, जनता खुद कहां से खड़ी हो जाएगी? आज तो जनता खड़ी है नेताओं के पीछे, युवा नेताओं के पीछे, बड़े नेताओं के पीछे, फिर उनके बड़े नेताओं के पीछे। जैसे अभी का एक वाक्या बताऊं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, अभी एक गांजा बेचने वाला पकड़ गया था यहीं पास में, और उसको बचाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया था। ये मेरे सामने की घटना है। पुलिस वहां पे बड़ा लाचार सा महसूस कर रही थी। देखिए, तो असलियत ये भी है कहीं ना कहीं कि पुलिस सिर्फ पुलिस का कंधा है, बंदूक चलाने वाले कोई और है, और वो जैसा कि समझिए बात को, हर एक मुद्दे में किसी ना किसी का दबाव झेलना पड़ता है। वो और फिर जो जनता की जितना बात दबाव झेलते रहेंगे दबाव उतना आता रहेगा। अब सोचिए, बड़े से बड़े अपराध में 2-2.5 महीने में जमानत हो जाती है इन किन प्रकारेण, अब उनको पुलिस कैसे मॉनिटर करे? जैसे यही व्यक्ति जो इसने जघन्य अपराध किया है, ये पहले भी अपराधों में संलिप्त है, ऐसी जानकारी मिली है, तो पुलिस को कायदे से उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। लेकिन जब ये पहले ही अपराध कर चुका है, ये छूटा कैसे? ये बचा कैसे? That's my question, कि ये छूटा कैसे, इसकी किसने पैरवी की? और ऐसे ही पता नहीं कितने अपराधी अपने त्योंथर में घूम रहे हैं जिनकी किसी न किसी
नेता ने सिफारिश की होगी कि छोड़ दो, मेरा आदमी है, ये है, वो है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो जो कुर्सी में बैठे नेता हैं, जो जीते हुए नेता हैं, वही ये सब करते हैं। लगभग लगभग त्योंथर में सब नेता अपना रसूख दिखाने के लिए ये नहीं देखेंगे कि सामने जो व्यक्ति आया है मुझसे मदद मांगने, उसने क्या गलत काम किया है, उसने क्या, वो निर्दोष है कि नहीं है। निर्दोष है तो उसकी मदद करो, ये आपका कर्तव्य है। एक एक वर्चस्व का दौर ही चल रहा है और ये सब जैसे जनता को कहा जाता है। आप ये समझिए, हम विकासशील देश में हैं, विकसित नहीं हुए हैं, तो जनता तो अपनी मूलभूत सुविधाओं से ही लड़ रही है, जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। तो जो जनता इन चीजों से ही जूझ रही है, वो कैसे सामना कर सकती है? आप बताइए, जो ये नेता वगैरह प्रोग्राम करते हैं, इनमें भीड़ दिखती है लाखों की, क्या वो सभी उनके समर्थक होते हैं? नहीं होते, वो सब आए हुए होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो वहीं पे उनका विरोध करते हैं चुपचाप तरीके से, सामने नहीं आना चाहते। पहले विभक्तीकरण की राजनीति खेली गई, गरीब को अमीर से अलग कर दिया गया, फिर उसके बाद जाति आधार पे लोगों को बांट दिया गया। मेरे पास हजारों के तादाद में स्क्रीन शॉट मिल जाएंगे, लेकिन मैंने नाम लिख दिया पीछे कि मेरा पूरा नाम क्या है, उस दिन आधे लोग तो ऐसे कट जाएंगे। लेकिन चूंकि दुनिया भर के लोग आते हैं, सबसे कनेक्ट होना है, सबको मदद करना है, सबकी चीजें सुननी है, ताकि सबके साथ न्याय हो सके जितना अपने पास क्षमता है। चलो ठीक है, एक चीज मानते हैं कि नशा कर लिया तो क्या लोग अपनी बहन को भूल जाते हैं, अपनी माँ को भूल जाएंगे क्या नशा करने के बाद? भैया दसों केस हैं, जो बात आप कह रहे हैं बाहर नहीं जाना, देवघर के ही दसों केस ऐसे निकल आएंगे। अच्छा, जब किसी भी चीज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सबसे पहले यहाँ अटैक होता है। वो क्या कर रहा है, आपने देखा होगा आसपास क्षेत्रों में जहाँ थोड़ा कम विकसित होगा, और वो भाई भाई एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, भाई बहन गालियां दे रहे हैं, माँ बाप के सामने एक बाप को गाली दे रहे हैं, बाप बेटे को गाली दे रहा है। पहले उसके पास पावर था, उसने बेटे को गाली दिया, बेटे के पास पावर है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, तो कौन सी नई चीज है? सिस्टम ऐसा नहीं सुधरेगा। जब तक जागरूकता और शिक्षा कोने कोने में नहीं पहुंचेगी, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि नशा हमें नाश रहा है, तब तक लोग नहीं सुधर सकते। अब कितना लोगों को जागरूक किया जा सकता है, स्कूल की पहली क्लास से लेके टीवी, आज के टाइम में आप कुछ भी देखो दिख जाएगा, स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, ड्रिंकिंग इज अपराध है। फिल्मों ने हमें नग्नता परोस दी, हमें बता दिया दारू क्या चीज होती है, हमें बता दिया छोटे कपड़े क्या चीज होती है, हमें बता दिया रेप क्या चीज होती है, हमें थाउजेंड ऑफ थॉट दे दिए, थाउजेंड ऑफ क्लू दे दिए कि हमें करना कैसे। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी बाहुबली, दो साल हो गया होगा, दो तीन साल लगभग, दोनों मूवी अच्छी चली, कुछ दिनों तक ट्रेंड में भी थी, लेकिन जैसे ही रेस आई लोग रेस में चले गए। लोग धूम और रेस जैसी मूवियां ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों यार? हंकी लोग एकदम ग्लैमरस ड्रिंक कर रहा है, होश में है, उनको नहीं पता है कि वो थाउजेंड करोड़ का डिस्कशन है, आपके जेब में थाउजेंड भी नहीं है आज के लिए। उनको ब्रेन जो है ना वो चकाचौंध वाली दे दी गई, और वो जैसे स्क्रीन बंद हुई ना तो सामने फटे हाल में घर दिख रहा है, उस चीज को फोकस ही नहीं कर पा रहे। क्यों? बड़ी टेंशन है यार, स्मोकिंग कर लेते हैं, अरे यार मन नहीं लग रहा, थोड़ा विमल खा लेते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जिसका घर देखो, जिसका घर गलत काम से चल रहा है उसका घर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मुझे और आपको उनके घर की चिंता नहीं है, हमको उनके घर की चिंता है जो मेहनत कर रहे हैं, सराफत से अपनी जिंदगी समाज में जी रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन और उनके लिए हमारा कर्तव्य है। जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे अभी तक घर नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमारा आपका लाइफ क्या देखेंगे? नहीं पहुंचे होंगे, आप भी मेहनत कर रहे हो, पहुंच गए, ब्रह्मानंद भाई पहुंच गए, विजय जी पहुंच गए, मैं ऑफिस से ही लाई हूँ। आने में उनको उनको समस्या हो रही है, मैं सेकंड ऑफिस से लाई हूँ, उनको समस्या तो हो रही है ना, अभी कनेक्ट होने में समस्या हो रही है, हर चीज समस्या हो रही है, अभी लाइट की दिक्कत थी। देखिए मेरा मानना ये है, सब तो उसी के हैं। हाँ बिल्कुल, सजा नहीं, ये आपका काम नहीं है, सजा दिलवाना ये नेता का काम नहीं है, सजा देना दिलवाना कानून का काम है, कानून को काम करने देना चाहिए। अभी क्या होता है ना, आज के टाइम में
एक बड़ा नेता दो बार फोन करेगा पुलिस स्टेशन में किसी जरूरी काम के लिए, लेकिन जो उसके साथ में, उस नेता के साथ में जो छोटे नेता होंगे, वो दिन भर पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं, जैसे उनका अड्डा हो। वो सीधे बैन करो अपने उसमें कि कोई भी सेल्फी नहीं लेगा, कोई आके फालतू में मेरे कान में नहीं बोलेगा कि पानी चाहिए कि नहीं, फिर फोटो खिंच जाएगी, अरे मैं तो नेताजी का बहुत चहेता हूँ। और इन्हीं लोगों ने ही पूरे समाज को बर्बाद कर रखा है। क्या होता है, आप बात समझिएगा, अगर कोई विधायक, सांसद या कोई भी नेता किसी जगह अकेले जाता है तो उनके ऊपर हमले भी हो जाया करते हैं, और हमले कई प्रकार के होते हैं, तो इसलिए उनको एक फौज मजबूरी में पालनी पड़ती है। किसी की डेथ हो गई मान लीजिए, तो अब नेताओं के लिए सबसे अच्छा मौका होता है वहां जाने का। कारण ये होता है कि नेता जाएंगे, घर वाले, गांव वाले, परिवार वाले दुख में रहेंगे, वो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नेताजी अपने चुपचाप जाएंगे और चुपचाप बच के आ जाएंगे। उनके लिए एक पॉइंट हो जाएगा, जब कभी ये बात उठेगी कि आप तो फला गांव में कभी नहीं दिखे, तो वो हो जाएगा कि फलाने जब निपट गए रहे तब आए न रहन, तो एक उनको पॉजिटिव वे मिला कि नहीं हम गए थे और हम गए, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई विकास की बात नहीं हुई, कोई मुद्दों पे बात नहीं हुई, हम लौट आए। तो ये भी तो देखना पड़ता है, ये भी तो मेंटेन करना पड़ता है। जी, कम से कम नहीं तो 20 लड़के हैं जो बाहर पढ़ के आए हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग करके आया, एमबीए करके आया, उन्होंने डायरेक्ट बीएससी एमबीए किया हुआ है, लगभग 20 लड़के के आसपास होंगे, नारी बारी से लेके गढ़ तक, जिन्होंने पूरा ऑनलाइन सेटअप किया हुआ है अपना, कुछ सोशल मीडिया में है, कुछ इन्फ्लुएंसर है, कुछ ब्लॉगर है। तो आई थिंक ये एक गलत पॉइंट था कि मतलब पढ़ लिख के गए बाहर से, यहाँ आके यहाँ सेटअप हो गए। माहौल आपको मैं बताता हूँ खराब कैसे हो गया। अब तो मैं लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल हो गया मुझे इस क्षेत्र में पैदा हुए। माहौल खराब हुआ जनरेशन गैप में। अच्छा, एक व्यक्ति थे जो रिश्ते में भैया लगते हैं, उनकी एज हुई 55 साल, एक नई उम्र का लड़का था जिसकी उम्र थी 16 साल। अब वो 55 साल का व्यक्ति उस 17 साल के लड़के से हर वो चीजें शेयर करता है, हर वो चीजें बात करता है, खेलते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, कि जो उसको नहीं करना चाहिए, जो 17 साल का है और वो 55 साल का। ये एक दो जगह की बात नहीं है, ये कई जगह मेरी बहस भी हो गई इस चीज को लेके, कि आप जो बात कर रहे हैं वो एक बालिक के साथ भी करना उचित नहीं है, और रिश्ते में आप भाई लगते हैं, भले परिवार के लगते हैं, अपने बेटे, अपने भाई, अपने वाइफ, अपने बच्ची को माय गॉड लगाते हैं। ये हमारा समाज, आप सीख देने जाओगे अगर तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू कौन है, क्यों मरा जा रहा है। बिल्कुल, सभी आ सकते हैं। मैं ये कह रहा था जो जनरेशन गैप की बात हुई, तो ये बताइए आज बुढ़ा होना कौन चाहता है? 55 साल के युवा नेता मिलते हैं हमको, ये बताइए, नहीं नहीं एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, 55 साल के हमको युवा नेता मिलते हैं, 60 साल के एक्टरों को हम युवा वो मानते हैं, नेता मानते हैं, फिल्में हम देखते हैं 55-60 साल के व्यक्ति की और उनको अपनी एज से कंपेयर करते हैं, है ना? तो बुढ़ा होना कौन चाहता है? और फिर एक कहावत जो प्रचलित है, उम्र 55 की दिल बचपन का, ये चीजें कहाँ जाएंगी? शायरों ने कह रखा है नहीं जाएंगी, तो ये चीजें अपने आसपास ही होंगी। आज कहीं किसी और के साथ कोई घटना हुई, कल किसी और के साथ में घटना होगी। अभी आप ये बताइए, एक लड़की का फोन आया था अभी जब मैंने ये पोस्ट किया था ना कि हम लोग लाइव आ रहे हैं त्योहार की कानून व्यवस्था के लिए, तो एक लड़की का फोन आया था, ठीक है, अपने त्योहार की, कि उसके साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की, घर में घुस के मारपीट की, और उसने सुहागी थाने में रिपोर्ट लिखवाया। सीएम हेल्पलाइन कटवाने के लिए 3-4 TI बदले जा चुके हैं सुहागी में, और सबने कोशिश की कि बाई हुक्स बाई क्रुक्स ये अपनी सीएम हेल्पलाइन कटवा ले।
ठीक है, इसलिए कि उनको भी चैलेंज मिलता है ना, पुलिस वालों को, पटवारी को, टीचर को, ये जो भी डिपार्टमेंट है उनको टारगेट मिलता है कि एनी हाउ ये शिकायत बंद कराओ। तो टारगेट मिलता है शिकायत बंद करवाने का, शिकायत बंद करवाने का टारगेट का ये मतलब होता है कि आप जाओ वहां जांच करो, वहां न्याय करो और जो शिकायत करता है उसको आप संतुष्ट करो। इसके लिए दबाव आता है, इसके लिए थोड़ी ना आता है कि आप जाओ जो शिकायत करता है उसका गला काट दो और शिकायत बंद करवा दो। एक बार मैंने किसी से, मैं डिपार्टमेंट का भी नाम नहीं लूंगा, किसी से कोई संदिग्ध इंफॉर्मेशन शेयर की, जैसे जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपकी बात ले लेता हूँ, आपने कुछ गलत किया और मैंने चंदन से शेयर किया कि आप देखो चंदन जी विजय भैया ने ये गलत काम किया। पता है थोड़ी देर बाद मेरे पास विजय भैया का ही कॉल आता है और वो पूछते हैं कि तुमको क्या दिक्कत है। जो चीजें हाईलाइटेड हो जाती हैं उसमें देखिए आनन फानन में एक्शन हो जाता है, घर गिर गए, बुलडोजर चल गया, पता चला पड़ोसी के घर पे चल गया, फिर सुबह जगे, नहीं नहीं उसके यहाँ नहीं चलाना था, इसको चलाना था। ये आनन फानन में होता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम हैं, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। कहाँ कितने अपराध हुए, क्यों हुए, उनकी पर्सनल मॉनिटर में बैठे बैठे बोल देंगे केस खत्म कर दो तो हो चुका, फिर ऐसे ही केस खत्म होगा, ऐसे ही अपराध होंगे, ऐसे ही किसी न किसी घर के बच्ची की हमारी बहनों के साथ में रेप होगा, उनके साथ छेड़खानी होगी, किसी के घर में चोरी होगी, डकैती होगी, मर्डर होगा। अभी चंदपुर में जो चोरी हुई थी डकैती रात में, इतना सामान चोरी चला गया, क्या उनका कोई पता चला? नहीं चला ना। तो ये कितनी बार फिर पुलिस किस चीज के लिए बोलती कि हम पुलिस वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? क्यों लोग खौफ खाएंगे अगर अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे? देखिए घर में, जिस घर में चोरी हुई चंदपुर में, उसमें ताला लगा हुआ था क्या? सब कुछ लगा था, ताला लगा था, सीसीटीवी लगी थी। वही समझिए, शरीफों के लिए ताला था और चोरों के लिए वो खुला हुआ खजाना था, उसी तरह तो पुलिस है। चोरों के बाद पुलिस बैठी है, पुलिस व्यवस्था इसीलिए की गई है। कौन सा ताला लगाया था? जो मानते हैं, जो पुलिस को मानते हैं उनके लिए पुलिस है, और जिनको कानून का कोई डर ही नहीं भैया, जो ये जानते हैं कि हमारी सेटिंग से सारा काम हो जाना है, उनके लिए कानून क्या अहमियत रखता है? हाँ। ये कंडीशन कई बार होती है कि मेरे अपने ही रिलेटिव फोन करते हैं, अरे बिन्नू भाई हमारा आदमी है यार, तुम्हार इतना खास है, अरे भैया तुम्हारा आदमी मेरा आदमी ये सब ठीक है, लेकिन उसने किया क्या है? एग्जैक्टली पहले के टाइम में लोग अगर उनका बच्चा कुछ गलत कर देता था तो उसको निष्कासित कर देते थे। और सिर्फ ये सर मेरा आदमी है, उसका आदमी है। अरे भैया हम फलाने पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी, हम फलाने पार्टी के जिला अध्यक्ष, ये सब चीजें हमारी पावर, देखो फलाने का क्यों नहीं बचा सकत रहा, हम बचा ले, हम बचा ले। कई पता नहीं कितने त्योथर में हैं जिनके जिला बदर हो चुके हैं, वो अपने गांव में रह रहे हैं, पुलिस वालों को पता है, रैली में आ रहे हैं, रैली में घूम रहे हैं, फोटो आ रही है सोशल मीडिया में, सब कुछ पता है पुलिस को, कार्यवाही कुछ नहीं होगी। तो जिला बदर के आदमी को एक नेताजी ने वो कर लिया, ऐसे ही उन नेताजी ने और भी एक दो को बचाया। अब पूरे आसपास नेताजी जहां के हैं, पूरे आसपास ये अब शोर मचा है कि बड़े ताकतवर हैं। ठीक है, बड़े ताकतवर फलाने के बड़ी पहुंच है, बहुत पहुंच है। नहीं तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या? लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। पुलिस का जो पहलू चंदन जी कह रहे हैं, मैं भी इससे सहमत हूँ। मैं एक दो पुलिस वालों को जानता हूँ बहुत अच्छे से, करीब से, और मैंने उनको देखा है कि उनमें कूट कूट के ईमानदारी भरी है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन वो काम करने में नहीं पाते हैं, काम करते हैं। हाँ, लेकिन वो काम करने नहीं पाते हैं। समस्या ये है कि उनके ऊपर इतना दबाव होता है, और उनके भी तो घर परिवार है, छठवें तत्व की आवश्यकता तो उनको भी है तत्व की आवश्यकता तो पहले भी सबको रही है, आज भी है, लेकिन आगे भी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ना कि ये छठवें तत्व की खोज में मैं भूल जाऊं कि मैं इंसान हूं और इंसान से जानवर बन जाऊं। भैया अगर ऐसा ही है,
देखिए अगर हक खाने की बात है तो आप समझिए 5 किलो गल्ला जो राशन बांटने वाले हैं, ये कई कोटेदार ऐसे हैं कि जो वो कौन सी गाड़ी है जिससे बड़े बड़े नेता चलते हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं आता, फॉर्चुनर वगैरह कोटेदार लोग मेंटेन करते हैं, तो कहाँ से आ जाता है भैया? मैंने भी सुना है यार, कोई नाम मुझे नहीं पता है, कोई कोटेदार के बारे में कोई बता रहा था कि एकदम गरीब घर का लड़का था, जब से कोटे में उसको मिला कहीं शोर सिफारिश से मिला था, आज के टाइम में त्योथर में उसका घर देखने लायक है। हर एक चीज, अब तो जैसे मान लीजिए अगर मेहनत करके इतनी व्यवस्था, मेरी सुनिए, आम जनता की आप बात कर रहे हो, अभी कुछ दिन पहले मैं अब सीधे नाम लेता हूँ, ये रायपुर पावर हाउस का घेराव हुआ था 1.5 साल पहले, इसमें मतलब लाइट को लेकर अनशन किया गया जिसकी अगुवाई अरुण गौतम ने की थी, इसमें कई लोग शामिल हुए, कई मतलब लोकल लोग शामिल हुए, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और पता नहीं कितने लोगों पे मुकदमे बनाए। वो आम मानुष, आम जन जो हैं, वो बेचारे कुछ तो देखने आए थे, कुछ तो बाजार आए थे, उनका लेना देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी लपेटे गए। ये देखनी। और दूसरी घटना आप याद करिए, चाक घाट में, जब चाक घाट में किसी पुलिस वाले पे कोई व्यापारी हमला कर दिया था, तो उतने टाइम पुलिस एक्शन में आई थी और जितने लोग दिखे थे, कोई बड़ा गांव का था, कोई जुरहवा का था, कोई पड़री का था, कोई सुनौरी का था, लेकिन उतने टाइम जितने रोड पे दिखे थे सबको पीट पाट के पुलिस मुकदमा ला दी थी। ये कब की घटना है? ये 2-3 साल पहले की बात है। तो ये आम जन है, ये 3 साल तो मैं ही हूँ यहाँ, मुझे तो ऐसी घटना नहीं समझ में आई। नहीं, एक बार हुआ था, बघेली का ही मामला था, कुछ भी हुआ था, नेटवर्क का कुछ इशू होगा चंदन जी। चलिए हम लोग फिर से एक बार लाइव आते हैं और त्योथर के बच्चे होने का कर्तव्य निभाते हैं अपन, और ये कोशिश करते हैं कि त्योथर से अगला विधायक जो भी चुना जाए वो त्योथर की शर्तों पे काम करे। कुछ मुद्दे हैं जैसे सरकारी बसें, कम से कम 10 सरकारी बस अपने त्योथर में होनी चाहिए जो लोगों को कम से कम तहसील थाने तक तो पहुंचा दे। कई लोग ऐसे हैं जो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं मजबूरी बस, पहली चीज। स्कूल कॉलेजेस, अभी जैसे इस बच्ची का अगर रेप हुआ तो पता चला कि उसके गांव में स्कूल तक जाने के लिए रोड तक नहीं है, ऐसे धोने पे कई गांव नहीं है। और हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम शाइनिंग इंडिया का नारा एक बार किए थे, वो फेल हो गया, उससे भी लोग नहीं सीख रहे हैं, जगह जगह फालतू में ही अपना गुणगान कर रहे हैं, क्या जनता को नहीं पता है क्या कि उन्होंने साइन इंडिया से एक बात याद आ गई, मैं उसको भी शेयर कर दूं। एक स्वच्छता का पखवाड़ा, इस समय किसी को भी फोन लगाओ तो स्वच्छता को लेकर एक अलग सुना देता है। और मजे की बात ये है कि अपनी त्योथर तहसील ये मानी जाती है कि खुले में शौच मुक्त हो चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि त्योथर खुले में शौच से मुक्त हो चुका है? मुझे लगता है, मुझे लगता है भैया, मैं तो सुबह जगता हूँ और दौड़ने का प्लान करता हूँ, लेकिन सिर्फ इसी करना पड़ता है, कोई इलाका है ही नहीं जाया जा सकती।